हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन होता क्या है? मैं पहले भी आपको ये चीज़ बोली कि प्राइस का जब बढ़ता है तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। कोई कमोडिटी अगर आज सपोज करो 200 रुपीज़ की है, बट वही कमोडिटी कुछ दिनों के बाद आपको 500 की देखने को मिल रही है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर प्राइस जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं इन्फ्लेशन की बेसिकली कुछ स्टेजेस होती हैं। अगर मैं बात करूं तो इसकी चार स्टेजेस होती हैं। पहले तो होती है इसकी एक क्रीपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, एक होती है इसकी क्रीपिंग इन्फ्लेशन, एक होती है इसकी वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, और तीसरी जो होती है वो इसकी होती है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, और फोर्थ जो है इसकी, इसको मैं मिटा रहा हूँ, अच्छा फोर्थ यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, फोर्थ इसकी होती है हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये चार स्टेजेस होती है हमारी इन्फ्लेशन की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, नाम से ही पता चल रहा है क्रीपिंग इन्फ्लेशन बिल्कुल रेंगते रेंगते हुए जा रही है, ठीक है। वॉकिंग इन्फ्लेशन का थोड़ी रफ्तार तेज़ हो गई है, और गैलोपिंग रफ्तार और तेज़ हो गई है, ठीक है, और हाइपर होगी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई है। ठीक है, अभी आपको मैं समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, आपने देखा जनरली जो एक छोटा बच्चा होता है उसकी भी स्टेजेस होती है, जब बच्चा बॉर्न होता है, ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि पहले वो क्या करता है, क्रीपिंग, पहले क्रीपिंग स्टेज आती है, बच्चा कैसे चलता है, ऐसे ऐसे करके चलता है, रेंगते हुए चलता है। और यहाँ पर बोला गया इन्फ्लेशन भी कैसे चल रही है, ऐसे करके चल रही, रेंगते हुए चल रही है, बड़ी आहिस्ता इन्फ्लेशन चल रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा अभी नहीं है। ये तो होगी जी आपकी पहली, ये तो होगी आपकी पहली स्टेज, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज जो है वो है वॉकिंग। अब बच्चा रेंग तो लिया, अब कुछ सालों के बाद बच्चा जो है वो चलना शुरू कर देगा, ऐसे चलेगा, ठीक है, तो इन्फ्लेशन भी कैसे चलेगी, इन्फ्लेशन भी ऐसे करके चलेगी, वॉकिंग कर रही है इन्फ्लेशन, ठीक है। ये तो हो गया जी, फिर हम बात करते हैं वॉकिंग के बाद आप आती है गैलोपिंग। अब मतलब कि बच्चा कुछ सालों के बाद उछल कूद करना शुरू कर देगा, ठीक है, तबाही करेगा। तो ये देखो, उछल कूद मचा रहा है, तो और मतलब कि इस टाइप से, ठीक है, और ज़्यादा उसके बड़े स्टेप हो जाएंगे आगे, तो आगे इन्फ्लेशन भी इसी टाइप से चलेगी और बड़ा स्टेप लेगी। फिर हाइपर इन्फ्लेशन, तो नाम से ही पता चल रहा है, अब बच्चे के स्टेप और ज़्यादा बड़े हैं, तो इन्फ्लेशन भी और ज़्यादा बड़ी हुई थी देखने को मिलेगी। तो ये होता है पूरा इन्फ्लेशन की चार स्टेजेस। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन हम रखते हैं जनरली 0 to 3% तक जो होती है हमारी, वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होती है। 3 to 10% तक जो होती है हमारी, वो ये वॉकिंग इन्फ्लेशन होती है। और उसके बाद हम देखें तो 10 to 50% तक जो होगी हमारी वो गैलोपिंग इन्फ्लेशन होगी, और मोर देन 50% जो होती है वो हाइपर इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। तो ये होती है जी हमारी चार इन्फ्लेशन, जो कि मैंने आपको ये ग्राफ में बताई हुई है। तो ये ग्राफ जनरली आप अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th-10th class में किया करते थे, आपको इसके बारे में पता होगा। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देखो यहाँ पे जो ग्राफ का हम लेते हैं, जैसे कि हाँ यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हम प्लस करते हैं, और नीचे वाला साइड जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। वैसे ही हम बात करेंगे, यहाँ पे हम लेते हैं प्लस और यहाँ पे हम लेते हैं माइनस, ठीक है, बट इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको कर दो आप कैंसिल। हमें जिसकी ज़रूरत है ये, और आपका आ गया ये वाला ऊपर वर्टिकल वाला, ठीक है, ये वाला। अच्छा, तो यहाँ पे हमने यही देखा कि ऊपर वाली साइड क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, तो मतलब कि ये 100, यहाँ पे मैंने इसको 100 लेके चल रहा हूँ, एज ए अज्यूम किया कि कोई एक कमोडिटी है, कोई भी आप ले लो यार, आप नोटबुक ही ले लो, ठीक है, 100 रुपीज़ की नोटबुक है, ठीक है, तो 100 रुपीज़ की नोटबुक है, वो मैंने यहाँ पर इसका प्राइस रखा हुआ, बैलेंस रखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो 100 की नोटबुक है, आज तो 100 की है, कुछ दिनों के बाद जाके यही नोटबुक जो है हमें देखने को मिलती है कितने की, 103 की, यानी कि 3% रेट बढ़ता हुआ देखने को मिला। 3% हुआ ना, 100 रुपीज़ तो ओरिजिनल रेट है, उस पर 3% लगाओ कितना होता है, 3% करो आप 100 रुपीज़ का, कितना आता है, 3 रुपीज़, तो 3 रुपीज़ को ऐड कर दो 100 के अंदर, तो कितना होता है, 103, यानी कि 103 रुपये की वही चीज़ हमें जो है वो देखने को मिल रही है कुछ दिनों के बाद। तो हम बोलेंगे ये इन्फ्लेशन हम टॉलरेट कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है, यही नोटबुक जो 3% इन्फ्लेशन थी, ये 3% की बजाय अब कितनी इन्फ्लेशन पहुंच जाती है, 8% पहुंच जाती है। तो अब कितना हो, 8% कितना हो, 8 रुपये एक्सीड हुआ, यानी कि 100 में आप प्लस कर दो 8 रुपीज़, ठीक है, तो कितना हुआ, 108 रुपये। तो मतलब वही कॉपी जो 100 की थी वो अब हमें देखने को मिल रही है 108 की, तो 108 कहाँ पर आएगा आपका, यहाँ पर आएगा, है ना, ये 110 आ रहा है, तो 108 यहाँ पर आएगा।
तो ये भी इन्फ्लेशन हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और एक चीज़ याद रखना, हम इन्फ्लेशन कितना वेलकम करते हैं, 2 से 6% तक इन्फ्लेशन का हम वेलकम करते हैं। वो कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप यही याद रखो, 2 से 6% तक इन्फ्लेशन होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए, 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 से अगर कम होगी तो डिफ्लेशन वाली सिचुएशन आना शुरू हो जाएगी, 6 से ऊपर चले जाएगी तो वही गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन जो है वो आना शुरू हो जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। अच्छा, तो मैंने क्या बोला, 2 से 6% तक इन्फ्लेशन होनी चाहिए। तो 100 रुपये में 2% कितना हुआ, 102, और 6% कितना हुआ 100 में, 106। यानी कि आपकी नोटबुक कितनी होनी चाहिए, 102 और 106 के बीच में उसका रेट होना चाहिए, उससे डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, पहला केस तो मैंने बोला कि नोटबुक अगर 103 की हुई है तो वेल डन, अच्छी बात है, हमें कोई चक्कर नहीं उसका, क्योंकि मेरे को कितना रखना है, 102 से 106 तक रखना है मुझे। तो अब वही नोटबुक जो है उस पर 8% जो मैंने बोला करके, वो 108 बन रही थी, जो अब 108 नहीं, क्यों, क्योंकि 108 106 के बाहर जा रहा है, मतलब कि अब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है देखने को, जो कि हम नहीं वेलकम करते इस चीज़ का, ठीक है। तो इस चीज़ को हम वेलकम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि 3% तक जो हमारी क्रिपिंग इन्फ्लेशन है, 10% तक हमारी वॉकिंग इन्फ्लेशन है, और वॉकिंग इन्फ्लेशन के बाद फिर हमारी गैलोपिंग इन्फ्लेशन 10 से 50%, 50% से ऊपर चल जाती है हाइपर इन्फ्लेशन, वही हाइपर इन्फ्लेशन जो कि जर्मनी में आई थी, जिम्बाब्वे में आई थी, जर्मनी में 1920s में आई थी, जिम्बाब्वे में 2000 के टाइम पीरियड पे आई थी। और ये बोला गया था कि वहाँ पे जब इस टाइप की इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन आई थी, वहाँ पे करेंसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा डाउन हो चुकी हुई थी, करेंसी बिल्कुल एक रद्दी के बराबर थी, एक सिंपल एक पेपर होता ना, आपके कॉपी का पेपर होता है, वैसा करेंसी हो चुकी थी उनकी। तो ये सोच सकते हो, ठीक है। तो हाइपर इन्फ्लेशन कभी नहीं आनी चाहिए। अगर हाइपर इन्फ्लेशन आ जाए, कंट्री की स्थिति जो है, इकोनॉमी जो है पूरी गड्ढे में चले जाती है, उस कंट्री के साथ कोई भी कंट्री व्यापार नहीं करती, क्योंकि उसकी इमेज बाकी कंट्रियों के आगे बिल्कुल ही गंदी बन जाती है। तो कोई कंट्री नहीं अपनी इस कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी, कोई नहीं चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी इकोनॉमी जो है बिल्कुल हम बोलेंगे रीजनल इकोनॉमी रह जाती है, बाहर कोई ट्रेड वगैरह जो है वो नहीं करता, और रीजनल इकोनॉमी भी हम बोलेंगे बिल्कुल डिक्लाइन हो चुकी हुई है, ठीक है। तो सोचो क्या कंडीशन होगी इसके साथ। तो ये एक सिचुएशन हमें देखने को मिली थी हाइपर इन्फ्लेशन आने से। अच्छा, अब हम देखते हैं, मैंने क्या बोला आपको, मैंने आपको यही चीज़ बोली कि 100 रुपीज़ पोस्ट करो, वो नोटबुक है 100 की, तो 106 तक नोटबुक अगर होगी तो हम उस चीज़ का वेलकम करेंगे। अब 106 से अगर ऊपर होगी तो हम उस चीज़ का वेलकम नहीं करेंगे, क्योंकि वो कौन सी इन्फ्लेशन है, वो है अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा हमारी 2 तरह की इन्फ्लेशन होती है, एक होती है जी आपकी कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, और एक होती है जी आपकी अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। अब जो कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है ये तो हम वेलकम करते हैं, ये थोड़ी बहुत ही होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर इन्फ्लेशन क्यों वेलकम कर रहे हो आप, देखो जी मैंने सिर्फ बोला कि कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन होनी चाहिए, अनकंट्रोल्ड के लिए मैं कभी नहीं बोलता। वो क्यों, क्योंकि कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत ही मार्केट में बनी रहनी चाहिए। क्योंकि देखो ना यार, अब जो नोटबुक बनाने वाला है, जब वो जो दुकानदार है जो नोटबुक बेच रहा है, ठीक है, बना नहीं रहा, सपोज कर बेच रहा है वो, तो जब वो बेचेगा तो वो घर से आया हुआ अपने, तो वो कमाने आया हुआ ना, तो 100 रुपये की नोटबुक अगर उसको ऐसा लग रहा है कि 100 की नोटबुक जो है वो सस्ती, मतलब कि उसको खर्चा नहीं डाल रही, अगर वो 103 की बेचता है तो उसको पूरे खर्चे पड़ेंगे, अपने जो मुलाजम रखे हुए हैं उनका भी खर्चा और बिल्डिंग का खर्चा सब कुछ डाल डूल के, ठीक है। ये तो एक नोटबुक की बात करें, ऐसे बल्क में कई सारी नोटबुक वो बेचेगा, ठीक है। तो इतनी की बेचता है कोई, 110 की बेचता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो कि जब वो 103 की बेच रहा है ना, तो ये क्या, थोड़ा इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, 100 की चीज़ वही 103 की देखने को मिल रही है, बट इतनी इन्फ्लेशन हम वेलकम करते हैं, क्योंकि इतना रेट भी अगर उसको नहीं मिलेगा वो काम क्यों करेगा। क्योंकि देखो ना, कोई भी बंदा काम करता है वो क्यों करता है, वो इसलिए करता है ताकि मेरे को थोड़ा बहुत जो है बेनिफिट मिले, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिले। अगर उस बंदे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं तो वो काम क्यों करेगा, ठीक है ना। आप ही अपनी देख लो, आपको अगर सैलरी मिलेगी तो आप जॉब करोगे, आपको सैलरी ही नहीं मिलेगी तो आप जॉब ही क्यों करोगे। वैसा ही सिस्टम यहाँ पे, जब ये बंदे की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे वो बेचेगा ज़्यादा रेट पे, थोड़ा सा उसको अगर थोड़ा रेट ज़्यादा मिलेगा तभी वो बेचेगा, तभी तो इंसेंटिव मिलेगा उसको, तो काम करने की एक मोटिवेशन आएगी, ऐसे वो क्यों काम करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन, इसलिए मार्केट में थोड़ी बहुत ही कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन जो है वो बनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन जो है थोड़ी बहुत ही जो है वो बनी रहनी चाहिए, बट अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए। अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन कौन सी होगी, जो आपको देखने को मिलती है, यही 100 रुपये की कॉपी आपको 150 में देखने को मिले, 160 में देखने को मिले, 200 में देखने को मिले, 130 में देखने को मिले, ये अनकंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है, ठीक है। इसका कभी हम वेलकम नहीं करते, ठीक है। यानी कि आपने कितना वेलकम करना, आपने 2 से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन का वेलकम करना, ये आपकी कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है, ठीक है। आपने 6% से ऊपर नहीं जाना, यानी कि अगर मैं कॉपी की टर्म में बात करूं, 102 से 106 तक इसका रेट होना चाहिए, 106 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अच्छा अब हम देख लेते हैं, अब ये भी मैं तो 2 से 6% मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं ये वाला डेटा लेके बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सीपीआई जो है ना वो चेंज करता रहता है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको ये पहले का डेटा है सीपीआई का, बट अभी कोई अपडेट होगा इसका तो वो अपडेट कर लेना अपने हिसाब से। बाकी मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आपने ऐसे कैलकुलेट करना है, बाकी अगर सीपीआई थोड़ा चेंज हो, क्योंकि अब करंट अफेयर जो भी होगा इकोनॉमी का वो आप लोगों ने अपने नोट्स वगैरह अपडेट करने हैं, ठीक है। तो सीपीआई में अगर कोई चेंजिंग अगर आई होगी चेक कर लेना, अगर आई होगी तो वो टर्म लेके चलना, अगर नहीं आई होगी तो यही होगी तो इसी को कंटिन्यू करके चलना, ठीक है। देखो अब कैसे निकालते हैं, वही 2 से 6% जो मैंने आपको बताया। देखो यहाँ पे अब हमें देखनी है इन्फ्लेशन कितनी तक रहनी चाहिए। अब मैं बात करूँ हमारा कितनी इन्फ्लेशन होनी चाहिए, हम ये बोलेंगे सीपीआई प्लस माइनस 2%, यानी कि सीपीआई प्लस माइनस 2%। अब सी पी आई क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपका एक होता है डब्ल्यू पी आई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है आपका सी पी आई, ठीक है। लेकिन हम इन्फ्लेशन को के लिए ये वाला यूज़ करते हैं, सी पी आई का यूज़ करते हैं। ये जनरली होलसेल जो प्राइस इंडेक्स है, ये जनरली होलसेल की मंडियाँ होती हैं, जो जैसे आलू प्याज टमाटर जब होलसेल में बेचे जाते हैं खरीदे जाते हैं वहाँ पर इन्फ्लेशन वहाँ पर देखी जाती है, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स में पता चलता है। और जो हम जनरल जो कस्टमर जो है खरीदारी करता है, जैसे आप खरीदारी करते हो हम खरीदारी करते हैं नॉर्मल रिटेल सिस्टम में, तो वो सारा सी पी आई में चलता है। तो इसलिए हम जब भी इन्फ्लेशन को मेजर करेंगे, हमें इन्फ्लेशन जो सेट करनी है सी पी आई को ही हम लेकर चलते हैं, डब्ल्यू आई को कंसिडर नहीं करते। अच्छा अब यहाँ पे कितना बोला, सी पी आई प्लस माइनस 2% तक इन्फ्लेशन होनी चाहिए। अब सी पी आई जो हमारा कितना 4%, ये भी आप नोट कर लेना कितना इस समय प्रेजेंट चल रहा है, जब मैंने पढ़ा हुआ तब का ये 4% है। अभी आप ये नोट कर लेना कितना ये समय चल रहा है, अगर तो 4% होगा तो यही रहने देना, अगर 4% नहीं होगा जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ पुट करना, उसमें प्लस करो 2% और वही जो वैल्यू वो रखो और माइनस करो उसमें 2%, जो वैल्यू आती वो करके देख लो, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जो मैंने वैल्यू रखी है मैं उससे आपको समझा देता हूँ, बाकी आप सी पी आई देख लेना क्या मार्केट में इस समय चल रहा है, देखो बट यही होगा आई थिंक। अच्छा फिर हम देखते हैं सी पी आई प्लस माइनस 2% की मैं बात करूँ, सी पी आई यदि 4%, ये आ गया प्लस 2 कितना हो गया 6%, 4 माइनस 2 कर दो कितना आ गया 2%, तो कितना इन्फ्लेशन कितनी रहनी चाहिए हमारी 2 से 6% के बीच में रहनी चाहिए, ये वहीं से निकला जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला 2 से नीचे इन्फ्लेशन नहीं जानी चाहिए, 6 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 2 से अगर नीचे जाएगी तो डिफ्लेशन वाली सिचुएशन आ जाएगी, 6 से ऊपर जाएगी तो वही गैलोपिंग हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन जो है देखने को मिलेगी, जो कि वर्स्ट है फॉर द इकोनॉमिकली, बैड है फॉर द इकोनॉमिकली, ठीक है। अच्छा अब हम देख लेते हैं, समझ आ गया तो जल्दी से जल्दी क्या करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि लाइक क्या करो यार, मुझे पता चलता है कि आप लोग कितना पसंद कर रहे हो, आप वीडियो सब देखते हो देख के लाइक नहीं करते, लाइक करो, कमेंट करके बताओ सर आप मेरे को कि बताओ सर मैं समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट में बताओ। और साथ में बाकी ये है कि कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि पुराने सर ने सीरीज़ भी स्टार्ट की थी, और ये भी यार ये वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करो, मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में लेके जा रहा हूँ, वहाँ भी डिटेल में था, बट क्या था वहाँ पे चीज़ों को मैंने एक टॉपिक वाइज नहीं किया था, यहाँ पे खुद आप देखोगे आपके लिए आसानी हो जाएगी, मैं सीधे बोलूँगा जाके इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का टॉपिक देख लो, आप सीधे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की टॉपिक को देखोगे, प्ले लिस्ट में जाओगे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की वीडियो को निकालोगे वहाँ से आप देख लोगे, आपके लिए ईजी कर रहा हूँ, नहीं तो मैं वैसे भी पढ़ा सकता, मेरा क्या था मैंने वैसे भी 6 लेक्चर तो कंटिन्यू कर दिए हुए थे, मैं चलने देता आ गया सिस्टम, मेरे लिए वहाँ वो आसान था सिस्टम, बट यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब मैं आप लोगों को बताऊँ कि क्योंकि कुछ कभी कभी कोई लेक्चर आपसे मिस हो जाता है बीच में, तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूँगा ना कि जाओ पीछे जाके लेक्चर देख लो मैंने पीछे समझाया, अब पीछे कौन सा लेक्चर देखोगे, अभी तो 6 लेक्चर की बात है, आगे यही लेक्चर जो है वो 20 तक पहुँच जाएंगे 25 तक पहुँच जाएंगे, आप क्या 24 लेक्चर देखते रहोगे सारे, इसलिए मैंने टॉपिक बेस इसलिए किया कल को मुझे लगेगा कि हाँ भाई ये टॉपिक पीछे से रिपीट वहाँ पे ने अच्छे समझाया वो पीछे वाले टॉपिक में, मैं सीधे बोल दूँगा भाई जी इन्फ्लेशन का टॉपिक देखो या डिफ्लेशन का टॉपिक देखो या बेसिक जो मैंने डेफिनेशंस आपको बताई है ना वो जाके देख लो, ठीक है। इससे क्या होगा आपके लिए भी ईजी रहेगा, आप जाके पर्टिकुलर वही वीडियो देखोगे आपका टाइम सेव होगा, इसलिए बेसिकली मैंने टॉपिक वाइज किया है। तो पहले मेरे को ये चीज़ का नहीं आइडिया दिखा, अब मेरे को लगा कि नहीं टॉपिक बेस करूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, ये सिस्टम था। तो इसलिए वीडियो को फॉलो करो, बाकी ये कि मैं बहुत डिटेल में करा रहा हूँ इतना मैं गारंटी लेता हूँ, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चला जाओ इतना ज़्यादा डिटेल में कहीं नहीं होगा, ये मैं बोलता हूँ, आप फॉलो करके तो देखो, अब 10-12 लेक्चर तो कंटिन्यू करके देखो, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको चीज़ पता चल जाएगी, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, खुद देखो, खुद अगर रियलाइज़ होता है तो उस चीज़ को कंटिन्यू करो, अगर नहीं होता तो आप क्या करो चैनल को छोड़ दो किसी और जगह से पढ़ लो, बट मैं बोल रहा हूँ आप नहीं छोड़ोगे, क्यों, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ इतना मुझे पता है, ठीक है। तो इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको पढ़ते जाओ, 7-8 लेक्चर कंटिन्यूटी में मेरे देखो, फिर उसके बाद डिसाइड करो कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, अगर अच्छा लग रहा है आपको कंटिन्यू रखो, अगर नहीं अच्छा लगता तो छोड़ दो किसी और चैनल से आप पढ़ लो, बट मुझे पता आप लोग नहीं छोड़ोगे, आप लोग इसी को कंटिन्यू करोगे, क्यों, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आपको लेकर जा रहा हूँ, ठीक है।
क्योंकि मैंने भी जो ये सोर्सेज जहाँ से पढ़ा हुआ है, तो आप ये मान सकते हो कि मल्टीपल सोर्सेज, हम जब भी पढ़ते हैं एक जगह से नहीं पढ़ते, उसमें आपकी एनसीईआरटी भी आती है, आपकी स्टैंडर्ड बुक्स भी आती हैं, ठीक है, उसमें आपका कुछ न्यूज़पेपर भी आता है, वो सारा करके कलैप करके पूरा एक मर्ज करके एक मटेरियल तैयार किया जाता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे, कॉजेज देख लेते हैं इन्फ्लेशन के। अब इन्फ्लेशन के कॉजेज देखूँ मैं, यानी महंगाई के कॉजेज देखूँ, महंगाई कैसे होती है, देखो एक होता है जी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एक होता है जी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दो अब कभी डिमांड जो है, ये ऐसे मत करना डिमांड को पुश कर देना कॉस्ट को पुल कर देना, ऐसे कभी नहीं होता, कॉस्ट हमेशा पुश होती है, डिमांड हमेशा पुल होती है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे ये बताया गया कि महंगाई जो हो रही है उसके क्या कारण है महंगाई होने के, यानी कि कोई चीज़ आपको अगर महंगी देखने को मिलती है उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। देखो पहला तो होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, जैसे कि हम बात करें कोई कमोडिटी है, सपोज करो आपने गाड़ी ली, ठीक है, कार ली, कार आपको सपोज करो वो 3 लाख की पड़ रही है, ठीक है, आज वो गाड़ी आपको 3 लाख की पड़ रही है, ठीक है, बट हो सकता है कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद वही सेम गाड़ी आपको जो है वो 5 लाख की देखने को मिले। अब आप बोलोगे कि सर वो कैसे, आज तो 3 लाख की है, 2 साल के बाद वही 5 लाख की क्यों देखने को मिल रही है। देखो ना, अब आपको पता है हमारा मॉडर्न टाइम पीरियड चल रहा है, अब हर कोई नई अपडेट आती रहती है गाड़ियों में, ठीक है, हो सकता है गाड़ी में कोई नई चीज़ लगा दी जाए, ऐड कर दी जाए, ठीक है, तो जो नई चीज़ ऐड की गई उसमें डाली गई, सपोज करो वो 50,000 की है, ठीक है, वो ऐड कर दिया, अब 3 लाख में 50,000 को प्लस कर दो कितना हो, 3.5 लाख। अब हो सकता है जब गाड़ी आज जो बनी है, जो आज के टाइम पे गाड़ी के जो टायर हैं रबड़ हैं जो उसका एक प्राइस चल रहा है, वही 2 साल के बाद प्राइस वो ना हो इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि आपको पता महंगाई चल रही है, हर प्रोडक्ट का चीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है इसके दाम वगैरह, ठीक है ना। तो वही चीज़ है गाड़ियों की, गाड़ी किससे बनी है, स्टील से बनी है, मिरर से बनी है, शीशे से बनी है, सब कुछ जो भी टायर वगैरह रबड़ वगैरह जो भी हैं, ठीक है, इन सबसे मिलकर ही गाड़ी तैयार होगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, हम देखते हैं कि गाड़ी का अब डिज़ाइन पूरा तैयार करने में, या फिर आप बोल सकते हो कि गाड़ी को पूरा तैयार करने में कितना खर्चा हो रहा है, 5 लाख, क्योंकि कुछ एडिशन भी हो रही है गाड़ी में 2 साल के बाद, या जो पहले के एग्जिस्ट चीज़ थी वो महंगी होगी 2 साल के बाद, स्टील जो है महंगा हो गया, तो इसलिए वो कॉस्ट भी ऐड की जाएगी। तो 3.5 लाख में प्लस करते जाओ आगे, तो हम बोलेंगे 5 लाख तक जो है पहुँच जाती है। आई थिंक आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई हमने खुद नहीं की, गाड़ी में चीज़ें ही ऐसी लगती गई, नई नई चीज़ें ऐड होती गई, जिससे कि गाड़ी का टोटल कॉस्ट जो था वो उसका दाम जो है बढ़ता हुआ नजर आया हमें, ठीक है। तो इसलिए तो हो गया कॉस्ट ने बेसिकली इन्फ्लेशन को बढ़ाया, यानी कि जो हमारे रॉ मटेरियल जो भी लगते हैं गाड़ी में, उसी ने ही जो है इन्फ्लेशन को दिखाया हमें कि हाँ भाई महंगाई हो गई है। अच्छा, ये तो हो गया जी आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये तो मैंने आपको बताया वो पहले भी। अब डिमांड पुल होगी मतलब डिमांड ज़्यादा होगी किसी को, सपोज करो मारुति गाड़ी, ठीक है, अब तो है नहीं, चलो फिर भी लेके चलो, मारुति गाड़ी जो है इसकी डिमांड जो है बढ़ चुकी है, बट सप्लाई उतनी नहीं है, सप्लाई सपोज करो 100 है, डिमांड है इसकी 200, तो डिमांड एक्सीड कर रही है सप्लाई से, तो सप्लायर के पास तो सिर्फ 100 ही है, डिमांड 200 की है, तो क्या होगा, सप्लायर इस चीज़ का मोनोपोली उठाएगा, ठीक है, वो फ़ायदा उठाएगा, वो क्या करेगा, गाड़ी की कीमत को बढ़ा देगा, जो 3 लाख की गाड़ी थी उसी को ही वो 5 लाख की बेचना शुरू कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से उसने क्या किया, उसने प्राइस को इंक्रीज़ कर दिया, तो ये किसके कारण है, डिमांड के कारण है, डिमांड बढ़ी और डिमांड ने प्राइस जो है कमोडिटी का इंक्रीज़ करवा दी, यानी कि डिमांड ने पुल किया इन्फ्लेशन को, महंगाई को, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी है, देख लो मैंने डिक्टेशन पार्ट में भी आपके, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, जब प्राइस होता है हमारा रॉ मटेरियल जो भी किसी कमोडिटी में लगता है वो क्या करता है, इंक्रीज़ कर देता है फाइनल जो गुड का प्राइस होता है, उसको बोलते हैं हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो वही लिखा इंक्रीज, देन इट विल लीड टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द फाइनल गुड, ठीक है, इट इज़ नोन एज द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो समझा दिए मैंने आपको ये। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन वही लिखा हुआ है, व्हेन द डिमांड ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, और रीज़न कुछ भी हो सकता है उस कमोडिटी की जो है वो शॉर्ट सप्लाई, वही मैंने बोला 100 गाड़ी है बट डिमांड 200 की है, तो सप्लाई शॉर्टेज होगी, शॉर्ट सप्लाई हो गई है उस कमोडिटी की, या फिर आप ये बोल सकते हो कि लोगों के जेब में पैसा ज़्यादा आ गया, वो भी मैंने बताया था ना आपको, लोगों के जेब में जब पैसा ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, पैसा ज़्यादा आ जाएगा, सप्लाई कोई शॉर्ट नहीं हुई है, ठीक है, लोगों की जेब में पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो उसके कारण लोगों की ख्वाहिशें बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो हर बंदा जो स्कूटर लेना चाहता था वो भी अब बोलेगा मैं भी मारुति गाड़ी ही लूँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिमांड में इंक्रीज़ होती हुई नज़र आती है, और उससे भी हम बोलते हैं महंगाई जो है वो देखने को मिलती है। ये मैंने आपको पीछे वीडियो में समझाया हुआ है, ठीक है। अब पीछे वीडियो में कौन से समझाया हुआ है, ये मैंने आपको जब डेफिनेशन से भी पहले जो वीडियो आई थी ना आपकी सप्लाई एंड डिमांड, हाँ सप्लाई एंड डिमांड वाली वीडियो में, वहाँ पर मैंने आपको समझाया हुआ, ठीक है।
अच्छा, तो उसके बाद इससे क्या होगा, डिमांड से इन्फ्लेशन जो हमें वो देखने को मिलेगी। तो ये था जी इन्फ्लेशन के बारे में, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो हमने ये कॉजेज़ भी देख लिए इन्फ्लेशन के, तो यहाँ से हमारा इन्फ्लेशन भी हो जाता है कम्प्लीट, हमने देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा CRR, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर उसके SLR रहेगा, ठीक है। अब रेट्स आ जाएंगे आपके, क्वांटिटेटिव टूल्स जो भी हैं आपके वो आ जाएंगे उसमें, क्वांटिटेटिव टूल्स आपके रेट्स आ जाएंगे, रेशियोज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारा हम देखेंगे। OMO आ जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन। फिर आपका क्वालिटेटिव टूल्स जो है उसमें आपका मॉरल सुएशन आएगा, डायरेक्ट एक्शन आएगा, उसमें आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग, ठीक है, ये सारा कुछ आपका उसी में ही आएगा, ठीक है, LTV, ठीक है, वो सब कुछ आएगा, लोन टू वैल्यू रेशियो, तो वो सारा कुछ वहीं पे आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम CRR के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करो, और बेल नोटिफिकेशन को भी जो है वो ऑन कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।